हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा ये है कि यार, हमें टाटा की कार्स का एक्सीडेंट हमेशा क्यों देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि टाटा की कार्स के कुछ लाइव एक्सीडेंट। क्या ऐसा है कि टाटा की जब बनाई गई ये कार तो वहां पर कुछ कमी छोड़ दी गई? क्या ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर कुछ कमी है या फिर लोग बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करते? तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा या ज्यादातर केसेस में आपको जो एक्सीडेंट होने वाली कार्स दिखाई देती है उनमें से एक टाटा जरूर होती है। जो दूसरी गाड़ी होती है, हाँ, उसका तो खैर कुछ का कुछ हो ही जाता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी भी ब्रांड का, लेकिन हाँ, उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन टाटा की गाड़ी का बहुत कम नुकसान होता है, ये अभी तक हमें पता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे मैं अभी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2024 के अंदर बैठा हुआ हूँ। यार, ये 4 मीटर की गाड़ी है। 4 मीटर की गाड़ी होने के बावजूद भी इसका वेट जो है वो 1400 किलो से भी ज्यादा है, इतना तगड़ा इसका वेट है। दूसरा, अगर मैं बात करूं उसके इंजन की, तो यार ये इसका इंजन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 118 से लेकर 119 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है और 170 से लेकर 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। अब ये इतना तगड़ा इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का, इतनी तगड़ी पावर ये प्रोड्यूस करता है, तो यार पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से टाटा की जितनी भी कार्स हैं उनका पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। यहाँ पर 3 मोड आपको देखने के लिए मिलते हैं, इको, स्पोर्ट्स और सिटी मोड। जब भी स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो भाई गोली की तरह भागती है गाड़ी। अब मैं जब भी ब्रेकिंग करता हूँ तो देखो, यहाँ पर अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ब्रेकिंग में आपको एक डिस्क ब्रेक और एक ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जो आगे वाले जो टायर हैं, जो आपके फ्रंट वाले टायर हैं, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, जो रियर टायर हैं उसके अंदर ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ब्रेक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन जो इसका पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी तगड़ा होने की वजह से, और क्योंकि इस गाड़ी का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से, जैसे ये 1400 किलो की गाड़ी है, इसी तरीके से बिल्ड क्वालिटी ध्यान में रखते हुए 5 स्टार रेटिंग होती है गाड़ी की, और GNCAP हमेशा 5 out of 5 आती है ज़्यादातर गाड़ियों की टाटा की, तो यार बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत ही शानदार होती है इन गाड़ियों की। अब इस वजह से क्या होता है, जब आप, मैं जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, जब भी मैं गाड़ी के ब्रेक लगाता हूँ तो मैं एक तो पैडल ब्रेकिंग करता हूँ और एक इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करता हूँ। मतलब ज़्यादातर केसेस में जब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्लच दबाने की तो मैं क्लच नहीं दबाता, इंजन ब्रेकिंग का ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। तो इससे क्या होता है, जब भी आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर आप इंजन को भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर गाड़ी जो है जल्दी रुक जाती है, गाड़ी के ब्रेक अच्छी तरीके से लग जाते हैं। इंजन ब्रेकिंग आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आप एक बार देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है, हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम एकदम से क्लच नहीं दबाते, पहले हम पैडल दबाते हैं ब्रेक का और फिर हम क्लच दबाते हैं, यही कुछ सेकेंड बाद। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छी ब्रेकिंग लग जाती है, गाड़ी हमारी जल्दी रुक जाती है। तो यार जब भी मैं इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करता हूँ तो गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेती, चाहे कितनी भी पावर में हो, चाहे कितनी भी रेस क्यों ना हो गाड़ी की, कोई भी स्पीड में क्यों ना हो, तो गाड़ी जल्दी रुक जाती है। लेकिन जब मैं इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जब भी मैं क्लच दबा देता हूँ, गाड़ी फ्री हो जाती है, तो भाई वो 1400 किलो का जो वेट है ना, प्लस जो पावर लगी हुई है इंजन से, जो स्पीड मेंटेन करी हुई है, वो उन्हीं डिस्क और ड्रम से जो है आपकी ब्रेक लगती है। मुझे ऐसा लगता है टाटा की ये जो कार्स हैं, जो छोटे सेगमेंट वाली कार हैं, इनके अंदर अगर फ्रंट भी डिस्क होता और रेयर भी डिस्क होता तो यार गाड़ी जो है इतना डिस्टेंस कवर नहीं करती लॉक होने में या फिर पूरी तरह से कम्प्लीटली रुकने में। लेकिन हाँ, जब दोनों ही एक एक डिस्क हो जाता है और एक ड्रम हो जाता है तो फिर गाड़ी थोड़ा सा टाइम ले जाती है रुकने के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये जो एक्सीडेंट की वीडियोस आपको दिखाई देती हैं, इनका सबसे बड़ा रीजन ब्रेकिंग सिस्टम का भी है। अब एक वीडियो देखिए जो कि टाटा नेक्सॉन के ऑनर है, एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पैडल ब्रेकिंग और इंजन ब्रेकिंग दोनों का इस्तेमाल किया, तभी ये जो गलत साइड से आ रहा था, जो एकदम से मुड़ा था मोटरसाइकिल वाला, इसको इन्होंने बचाया। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। देखिए, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है टाटा की गाड़ी जो है इस वजह से यहाँ पर ज्यादातर एक्सीडेंट की वीडियोज वायरल होती है या वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनका जो पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है।
और ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है ये कहना एक अलग तरीके का स्टेटमेंट है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि लोगों को ब्रेक तरीके से लगाना नहीं आता है, पीपल आर नॉट यूजिंग द इंजन ब्रेकिंग एज वेल, जब वो ब्रेक लगाते हैं तो इस वजह से एक्सीडेंट होता है, तो मैं तो यार लगा लेता हूँ, अभी तक भगवान की दुआ से सब कुछ सही चल रहा है। और मुझे ये आदत तब से है जब मैं कभी मोटरसाइकिल चलाता था तो मैं वहाँ पर इंजन ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल किया करता था। तो मैंने वो कार जब चलानी सीखी, मैंने स्टार्टिंग से ही इंजन ब्रेकिंग मारने सीखे कि भाई इंजन ब्रेक भी लगाने हैं, इंजन का भी इस्तेमाल करना है ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर आप टाटा की गाड़ी चला रहे हैं, आई होप कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे, आप भी इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करेंगे जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कहीं भी हाईवे पर होते हैं। हाँ, सिटी में जब आप 10, 20, 30 की स्पीड पर चल रहे हैं तब इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यार एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये पता चलता है कि मैं एक ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जो कि ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, तो इससे क्या है एक मोटिवेशन आएगा और मुझे मोटिवेशन जितना आएगा भाई मैं उतनी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।